हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। और मैं हूं पूजा। की जो वीडियो है वो इन दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में है। वेल, ये प्रोडक्ट्स क्या है? स्टेक्वर के आईलाइनर्स। हाँ, स्टेक्वर के आईलाइनर्स के मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज देखे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो आजकल काफ़ी यूट्यूबर्स मंगाए हैं। सो आई थॉट कि मैं भी मंगाकर देखती हूँ किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। पर्सनली लिक्विड आईलाइनर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आई एम वेरी कंफर्टेबल विद लिक्विड आईलाइनर्स। सो देखते हैं, चलिए ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं। पहले इनकी पैकेजिंग दिखा देती हूँ। आई हैव टू कलर्स इन दिस। इसमें और भी कई सारे कलर्स आते हैं बट आई डोंट यूज़ दोज कलर्स, तो मैंने सिर्फ ये दो कलर्स मंगाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्वांटिटी की। वेल, इसकी जो क्वांटिटी है दैट इज़ 5 ml। और छोटू सा बॉटल है। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको दिस ब्लैक वन। और उसके बाद इसके प्राइस की बात करते हैं। इसका जो प्राइस है दैट इज़, हाँ जी, इसका जो प्राइस है MRP इज़ 175 rupees। लेकिन बहुत सारी बार देखा purple.com पे, जी हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ purple.com पे एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इस पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ चलता रहता है, डिस्काउंट चलता रहता है। तो MRP 175 है, तो आपको 175 में मिल सकता है ये। आप देख सकते हैं ऑफर्स जब भी चले। और उसके बाद बात करते हैं, जैसे मैं आपको बता दें क्वान्टिटी इज़ 5 ml। अब इसका देखते हैं ये ब्रश कैसा है। इससे एप्लीकेशन बहुत इजी होगी, बहुत इजीली लग जाएगा। सी कितनी इजी एप्लीकेशन है, आपको विंक बनाने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली अप्लाई हो जाएगा इसको। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी ईद ट्यूटोरियल की, मेकअप ट्यूटोरियल, उसमें मैंने ये वाला लिक्विड आईलाइनर यूज किया। आप देख सकते हैं वहां जाके इफ यू वॉन्ट की अप्लाई करने के बाद कैसे दिखता है। सो दिस इज ब्लू वन। ब्लू जो है ना उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वॉटरी है इन कंपैरिजन टू ब्लैक वन। और ब्लैक की जो फिनिशिंग है दैट इज़ कंप्लीट मैट। और ब्लू की एक से ज़्यादा आपको एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा इसको ड्राई होने देते हैं, फिर इसके चेक करते हैं कि वाटर प्रूफ है या नहीं है। हाँ जी, और इसके अगर एक्सपायरी डेट की बात करें तो एक्सपायरी डेट है मैन्युफैक्चरिंग डेट से 2 ईयर्स की। छोटा सा आईलाइनर है, लिक्विड आईलाइनर जल्दी फिनिश हो जाते हैं, तो 2 साल तक तो ये नहीं चलेगा, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सी ये दोनों, ये जो मैंने हाथ पे अप्लाई किया था लाइनर, ड्राई हो चुके हैं। अब इसकी वाटर प्रूफ चेक करते हैं, फिट चल रही है। सो आई एम अप्लाइंग वाटर ऑन दिस। एज यू कैन सी ये 100% वाटर प्रूफ है और इतने कम प्राइस में वाटर प्रूफ आई लाइनर। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस प्रोडक्ट। ये 100% देखिए, टस से मस नहीं हुआ अपनी जगह से ये आई लाइनर। So you can go for it. So guys, that's all for this video. I hope ये video आपको help करे ये decide करने में कि आपको ये वाला eyeliner purchase करने चाहिए या नहीं। Personally जब भी मैं कोई चीज़ खरीदने जाती हूँ, मैं पहले उसके reviews check करती हूँ, एक से ज़्यादा reviews देखती हूँ, because हो सकता है किसी लोगों को एक ही चीज़ सब किसी के पे सूट भी नहीं करती। आईलाइनर तो सूट करने जैसा कुछ है नहीं, पर बाकी सारे प्रोडक्ट सबकी ओपिनियन डिफरेंट होती है, सबकी चॉइसेस अलग होती हैं, तो उस हिसाब से सब अपना रिव्यू देते हैं। सो इस तरह से मैं सारे रिव्यूज़ पहले चेक करती हूँ, देन आई डिसाइड कि मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है या नहीं। एंड आई होप ये आपको हेल्प करे थोड़ा सा कि आपको ये लाइनर लेना है या नहीं लेना है। एंड उसके बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो डू लेट मी नो राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये आईलाइनर्स कैसे लगे। फिर मिलते हैं एक और नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।